चिपनारा बिलीलो बनायो बरी रे सभा में फिरी वायो उनी बिलाने कोई नहीं जले उनी बिलाने कोई नहीं जले जद हनुमत लियो ने उठाई बजरंग बाला जी महाराज उस बीड़े को लेकर लंका में प्रवेश करते हैं। किस प्रकार से सुने मेरी बात को बीड़ो उठायो मुख में पायो चरणा में शीश नवायो तो लंका की स्त्रियों ने देखा कि इस प्रकार का संदिग्ध जानवर हमारी यहाँ लंका में है तो नहीं, कहां से आया, आपस में बातें करने लगी। पानी री प्यारी बोली तूनी जानी बारी आयो जिन देश
मारू बीड़ो रे लगाती जो पार लगाती जो पारू बजरंगी माला जी महाराज ने माता सीता के सामने अपनी पहचान के स्वरूप भगवान द्वारा दी गई मुंदरी छिटका दी माता जी की गोद में। देखिए बहुत ही सुंदर शब्द देख मुंदरी तेरी बनाई कोनी जाने बरिया रे देख मुंदरी तेरी बनाई कोनी जाने बात को सुने। जब हनुमान जी महाराज माता सीता के सामने प्रकट हुए, माता सीता को प्रभु श्री राम के द्वारा भेजी हुई मुद्रिका के दर्शन करवाए, माता सीता बहुत प्रसन्न हुई। बाबा बिल्कुल मेरी बात में श्रवण गए। माता सीता हनुमान जी महाराज पर बहुत प्रसन्न हुई। हनुमान जी महाराज से कहा कि हे पुत्र, अगर तेरी कोई इच्छा है तो मुझसे कह, अगर तेरा कोई मनोरथ है तो मुझसे कह, तेरी आज इच्छा पूरी होगी। हनुमान जी महाराज ने माता सीता से क्या मांगा, बहुत ही सुंदर बात। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। ताली के साथ में मेरे साथ दें। देख लो मेरे दिल के नगीने में, 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 सीरा जानकी मेरे सीने में। Thank you.
300 किलोमीटर होगा बाबा यहाँ से, और यहाँ आने में बिल्कुल कितनी तकलीफ हुआ सामना करना है मेरी आत्मा जानती है। हमारे मेवाड़ में हनुमान जी महाराज का एक बहुत ही सुंदर भजन है, प्राचीन भजन है, गमड़ गमड़ गोटा नहीं भाई साहब, दूसरा भजन है, एक स्थाई एक अंतरा, बिल्कुल इससे जोधपुर की धन्य दरिद्रता पर गाना चाहूंगा, बाबा का आदेश, जी भाई साहब का आदेश मिले। Oh, 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 oh